हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नया बेटा स्टैंड बताने वाला हूँ। ये तो मेरा फेवरेट स्ट्रेन है, तो जस्ट अभी अभी मिला था मुझे पार्सल इसका, तो अनपैक कर लिया हमें। अनपैक कर लेके जो है आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये रेड FCCP है, इंडोनेशिया का लाइन। अपना बजट उतना ज़्यादा नहीं था तो इसलिए इंडोनेशिया का लाइन लिए अपन, नहीं तो वियतनाम का ही लेते थे। तो वियतनाम का जो है बहुत महंगा है एंड ये वाला थोड़ा सस्ता है। ये अपना अपना बजट में, वो वियतनाम वाला तो अपना बजट में नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं वाटर अभी टैंक को क्लीन करके जो है इसमें वाटर डाल के रखे सो। इसमें थोड़ा बहुत आलमंड की वाटर भी मिक्स कर लेंगे। तो ये पेड़ जो है अभी ब्रीडिंग के वास्ते लाया हूँ मैं, तो इसको ब्रीडिंग करके जो है फिर से अपन रीसेलिंग कर देते हैं इसको। जस्ट अब तो अपन इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं जस्ट। तो अभी तो एक टू या फाइव डेज तक ग्रूम करेंगे और उसके बाद में जो है अपन ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसका। तो ऑलरेडी अपने पास हेलबॉय के फ्राइज है और फैंसी हाफ मून के फ्राइज है और समुराई के भी फ्राइज है। तो ये देखिए, ये रेड FCCP है। आपको इन लोग के जो टॉप ग्रेड का एक ब्रीडर है WS मैन बोल के, आपको उसके वीडियो जो है इंस्टा पे फेसबुक पे मिल जाएंगे। तो वो ब्रीडर का लाइन जो है बहुत ही अच्छा लाइन है। अपन तो उतना एक्सपेंसिव नहीं ले सकते, बहुत एक्सपेंसिव है, अपने बजट में नहीं है। अभी तो मैं ये इंडोनेशिया का लाइन ले लिया, जस्ट अपन को लाइन होना था बस वियतनाम का लाइन, लेकिन नहीं मिला है मुझे। इंडोनेशिया का मिल गया, वो भी चलेगा अपन को। देखिए FCCP अनपैक करके बताऊँगा मैं। ये मेल है, मेल FCCP बेटा, और ये फीमेल, और ये दो भी 5 मंथ्स ओल्ड बोल के बोले थे जो ब्रीडर था इसका, तो उन्हें 5 मंथ्स ओल्ड बोल के बोला है। तो ऑलरेडी फीमेल तो अच्छा ही है एक से, तो अपन को थोड़े बच्चे काफ़ी है का 100 तक बहुत हो जाते, उतने भी निकले तो बहुत हो जाते। तो एक बार ब्रीड करके जो है इसको रीसेलिंग करूँगा मैं। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जब कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये तो पेड़ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल प्राइसिंग का है, डायरेक्ट इंपोर्टेड वाला बहुत महंगा रहता। अब होना तो दूसरे सेलर से कांटेक्ट कर लो आप। तो अब तो इन लोग को अनपैक करके बता दूंगा इसमें। और अभी मेरे पास दूसरे मुझे नहीं, दूसरे ब्रीडर्स के भी बेटा पेड़ है। ये मार्बल डॉट बोल के स्ट्रेन है, ये अब तक इंडिया में आई थिंक बहुत रेयरली आया है, जस्ट ये कल ही लिया था मैं इसका पार्सल। ये मेरा नहीं होता, ये दूसरा ब्रीडर का है। एक्चुअली ये केरला ब्रीडर का फिश है, जस्ट उसको पार्सल डालना था तो इंपोर्टर अपना हैदराबाद पे था, तो इसके लिए ये हैदराबाद आया है। अभी ये हैदराबाद में है, चले जाएंगा ये जल्दी केरला को। इसका फीमेल भी है अपने पास, और फीमेल तो पीछे है इधर, तो ये फीमेल है उसका। तो ये स्ट्रेन का नाम जो है मार्बल डॉट है, और एक इंपोर्टेड वाइल्ड, ये देखिए, ये एक स्मार्कडिना, ब्लू स्मार्कडिना। ये देखिए इसके फिन्स एकदम गिटार की तरह नाचते हैं। देखिए नीचे के फिन्स बहुत लंबा बोले तो लंबा रहती है, प्रॉप मेंटल हो जा रहा है ने फिन देख के। तो इसको बहुत पुराना वाटर है, इसमें ऑलरेडी अपना क्या बोलते हैं येल्लो हेलबॉय का फीमेल था, उसको निकाल देके इसको डाल दिया हमें। तो अपने येल्लो हेलबॉय तो ऑलरेडी कस्टमर को सेंड कर दिया हमें, ठहर गया ने। ये ब्लू स्मार्कडिना ऐसे वाले मिल जाएंगे आपको, होना बोले तो अरेंज कर सकता हूँ मैं, प्री ऑर्डर पे मंगा के दे सकता हूँ। प्री ऑर्डर का मतलब जो है ऑलरेडी आप फर्स्ट आप मुझे पैसे पे करना है और बाद में मैं ला के दे दूँगा आपको, ऐसा रहता। फुल पेमेंट रहता, हाफ ऑफ पेमेंट अपन लेते नहीं, फुल पेमेंट करने के बाद ही फिश मंगाते हैं, और मंगाने के बाद आपको वीडियो शेयर करते पहले, उसके बाद में आपको सेंड करते। तो चलो अब तो इन लोग को अनपैक कर लेंगे, अपने हेलबॉय के बच्चे और समुराई के बच्चे इसमें, हेलबॉय के बच्चे इसमें, तो बाद में अपडेट करूंगा उन लोग की, अभी तो अपन ये देख लेंगे। ये देखिए गाइस, FCCP का फीमेल अनपैकिंग कर लिया हमें इसको,
तो ये देखिए फीमेल, अभी बोले तो ये अच्छा ग्रूमिंग नहीं हुआ है, तो इसके लिए इसकी मार्किंग जो है उतना परफेक्ट नहीं है। अपन इसको अच्छा ग्रूमिंग करें तो जो है एकदम जो स्केलिंग है इसके ऊपर वाइट कलर का वो भी सही रहेगा, और इसका कलरेशन है वो पूरा डार्क और पूरे पूरे जो भी है पूरे अभी परफेक्ट होगा। अभी भी ऑलरेडी परफेक्टिश है लेकिन इससे भी अच्छा परफेक्ट होगा। तो पहले छोड़ देते हैं इसको इसमें। तो फिशेस की कंडीशन तो एकदम सेट है, लास्ट टाइम के सर का तो नहीं हुआ, लास्ट टाइम अपना हेलबॉय तो थोड़ा अच्छा नहीं मिला था, अच्छा कंडीशन में नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो भी जो है एकदम सही है। तो ये देखिए मेल को भी अनपैकिंग कर लिया हमें, तो कलर थोड़ा बहुत जो शाइनिंग है फिन इसके जो पल्स है, एक मिनट चले जाएंगे इसमें इन्हें, तो चलो इसको साइड व्यू से इसको ज़्यादा नहीं सताना, अब भी छाया नहीं पहले, तो इसको इसमें डाल देंगे और फ्लेयरिंग करने के बाद एक बार मैं फिर से वीडियो निकाल के जो है अपलोड करूँगा। तो ये है अपना FCCP एंड आपको कैसा लगा बोलिए। अभी एक छोटा सा क्लिप तो अटैच करूँगा मैं लास्ट में फ्लेयरिंग का, अभी तो उतना अच्छा फ्लेयरिंग नहीं कर रहा है इन्हें, बोले तो अभी आना इन्हें, तो इसके लिए जो है थोड़ा बहुत थोड़ा सेट होना है यहाँ पे। सेट होने के बाद जो है फ्लेयरिंग करेगा, और अपन को मैं ऑलरेडी बोला मैं अपने वाटर अच्छा है तो एक्लिमेशन की कुछ भी नहीं होना, डायरेक्ट डाल दे सकते हैं कि वाटर के ऊपर आपको भरोसा है बोले तो डायरेक्ट डाल लो, नहीं है बोले तो एक्लिमेशन करना पड़ेगा। एक्लिमेशन करके थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के जो है चेक कर लो, अपने वाटर के ऊपर अपन को भरोसा है तो उसके लिए डायरेक्ट छोड़ दिया मैं। तो चलो अब एक क्लिप में बताऊँगा। अब देखिए गाइस टैंक्स में ऑलरेडी ये सेट हो गए, अब फ्लेयरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया इन्हें। नॉर्मल मिरर लगाया तो भी फ्लेयर करेगा और फीमेल को देख के भी फ्लेयर करेगा। देखो पीछे तो फीमेल है, देखिए कैसा फ्लेयर कर रहा है अब तो इन्हें। तो इसको अभी फीडिंग के लिए क्या डालते बोले तो मोइना डालते अपन। तो आप कहीं भी ऐसा नया बेटा कुछ आए तो आपके पास जो फूड अवेलेबल है वो डालो, अपने पास तो मोइना अवेलेबल है, मोइना डालते हैं। आप भी मोइना डालना चाह रहे बोले तो कल्चर कर लेके आप भी डाल ले सकते हैं ऐसा, और मोइना तो अपने पास भी मिल जाएगा आपको। क्या बोलते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, और क्या बोलते हैं स्क्रीन के एंडिंग पे भी मिल जाएगा आपको, स्क्रीन के एंडिंग पे चेक कर लो मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। जस्ट अपन को लाइन होना था, लाइन तो अपन FCCP तो ला लिए। अब इसको भी ब्रीड करके देखेंगे इसके बच्चे कैसा बनते हैं। तो फिशर्स तो एकदम कंडीशन में है, बस एक 3-4 डेज टाइम देके ब्रीड कर दे सकते हैं इनको। तो चलो ये है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।